नमस्कार, मैं हूँ अवनी चौधरी और आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी। सर्दी की बात की जाए तो सर्दी में इंसान को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, इसीलिए सभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गर्मा गर्म और पोषक भरा खाने को खाना खाने के लिए हमें कहा जाता है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हरप्रीत डाइटिशियन से, उनका क्या कुछ कहना है और सर्दी में हमें किस तरीके का खाना खाना चाहिए, कितनी कैलोरीज बर्न करनी चाहिए एक दिन में और किस तरीके का हमें फैट हम लूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम फैट को गेन कर सकते हैं, इन सभी आज हम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हरप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्थप्रकाश टीवी से जुड़ने के लिए। सर, सर्दियों में हमें किस प्रकार का खाना चाहिए जो कि हमारी बॉडी को हार्म ना पहुँचाए? सर्दियों में ज़्यादा तला फला नहीं खाना चाहिए, जिससे हमारे जो अंदर के हार्मोन से वो ठंडों में थोड़े से चेंजेस होते हैं जी। तो ज़्यादा तले तुले से बाहर के खाने से हमें परहेज करना चाहिए और नॉर्मल घर का खाना खाना चाहिए। अगर देखा जाए तो सर्दी से बचने के लिए लोग ज़्यादातर ज़्यादा अदरक वाली चाय का यूज़ करते हैं, मूंगफली का यूज़ करते हैं, ताकि इसे जो सर्दी से कुछ टाइम के लिए राहत पा सके। तो क्या ये अधिक से अधिक चाय का सेवन करना और अधिक से अधिक गर्म चीज़ों का सेवन करना हेल्थ के लिए सही है? अगर ज़्यादा चाय सेहत के लिए हानिकारक है, बहुत ज़्यादा बिजली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाती है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा गर्म चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ठंडों में हमारी जो बॉडी है वो अंदर से पहले ड्राई हो रखी होती है और जो आप और गर्म चीज़ें खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी और ज़्यादा ड्राई होती है। तो इसलिए हाँ, खानी चाहिए बट नॉर्मल एक क्वान्टिटी में खानी चाहिए अकॉर्डिंग टू अपने बॉडी वेट और अकॉर्डिंग टू अपनी स्ट्रेंथ। आप कितना दिन में वर्कआउट कर रहे हो, आपका कैसा शेड्यूल है, आप जॉब करते हो, आपकी सिटिंग जॉब है, आप कोई ट्रेनर हो या आप जिम में कुछ करते हो या कोई बाहर ऐसी एक्टिविटी करते हो, तो उसके हिसाब से हमें इंटेक करना चाहिए गर्म चीज़ें। अगर बात की जाए ठंड में, तो ठंड में जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, जिसके लिए लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए सजग रहती हैं कि उनकी स्किन अच्छी दिखे, खूबसूरत दिखे। तो उसके लिए हमें ऐसा क्या कुछ खाना चाहिए जो हमारी स्किन नॉर्मल हो जाए? बेसिकली मैम होता क्या है, जब कोई भी अपनी बॉडी को लेके सिक्योर होता है कि हाँ मैंने अभी बॉडी अपनी अच्छी करनी है, कुछ करना है, उसको लीन करना है या गेन करना है, तो वो करते क्या है, वो प्रॉपर डाइट पे चले जाते हैं। और डाइट क्या होती है, एक बॉडी का बिल्कुल अलग पार्ट हो जाता है। आप पहले रूटीन खाना खा रहे हो, आप एकदम से अब डाइट लेने लग गए हो, हम उसके बीच में एक छोटे से पॉइंट को भूल जाते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करना। और जैसे कोई डाइटिशियन कहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पियो, नींबू का रस पियो या जूस पियो या कुछ भी चीज़ में डाल लो खा लो, तो क्या हो जाता है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स नहीं होगा किसको, और आप बॉडी को डिटॉक्स करो आपकी स्किन भी इतनी ज़्यादा अच्छी और हेल्दी दिखेगी। और जाके अगर कोई जैसे होता है कि हाँ किसी की ज़्यादा ही ड्राई हो रही है स्किन, तो ट्राई करो कि आप थोड़ा ऐसा खाना खाओ जिसके अंदर हल्का फुल्का ऑयल हो या ऑलिव ऑयल यूज़ करो, जो डाइजेस्टेबल हो, गुड फैट ऑयल हो, तो ऐसा ऑयल यूज़ करो, आपकी जो स्किन जो ड्राइनेस है वो अपने आप खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। अगर बात करें आज के दौर की, तो आज के दौर में लोग अधिकतर कोई कोई बहुत ज़्यादा मोटा होता है तो कोई हद से ही ज़्यादा पतला होता है, जो कि लोग इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। तो उनको किस तरीके का खाना खाना चाहिए ताकि वो नॉर्मल हो, ना ही मोटे हो ना ही पतले हो, उनकी जो बॉडी है वो एकदम फिट हो? उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा, सबसे पहले जो आपने कोई भी खाना खाना है तो आप ट्राई करो कि आपको पता होना चाहिए आपका बॉडी वेट कितना जी, और उसमें वही जो मैंने पहले की थी बात वही रिपीट करता हूँ कि आपका शेड्यूल कैसा है। उसके बाद में अगर आप खाने की बात करते हो, सबसे पहले जो आपके का खाना होना चाहिए उसके अंदर गुड कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फाइबर एंड गुड प्रोटीन लेवल होना चाहिए। अब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो अपनी बॉडी से दो गुना हमें प्रोटीन लेवल चाहिए होता है। मान लो कि किसी का जो बॉडी वेट है वो 30 किलो का है, तो अब उसको कितना प्रोटीन चाहिए, उसको 60 kg प्रोटीन वन डे का चाहिए, रूटीनेबल चाहिए। और अब अगर हम रोटी की बात करते हो, एक रोटी के अंदर कम से कम 200 ग्राम कैलोरीज होती है, और जिसके बीच में सिर्फ 2 ग्राम प्रोटीन होता है, 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और 0.3 ग्राम फाइबर होते हैं। अब आप ये देखिए कि एक रोटी के बीच में 200 कैलोरीज है, और एक दिन के जो एक लड़का है उसको 2000 कैलोरीज चाहिए और एक जो लड़की है उसको 250 के करीब 2500 के करीब उसको अप्रोक्सीमेटली कैलोरीज इनटेक चाहिए। तो एक रोटी के अंदर ही आपको 200 मिल रहे हैं। तो अब आप आगे की बात करते हैं तो आप कितना दिन का जो आप मील रखोगे, आप कुछ खाओगे, चाय लोगे, कॉफ़ी लोगे, वहाँ से भी कैलोरी इनटेक, मतलब आपने कैलोरीज इनटेक अपना कितना कर रखा है, 4000 5000 5500, और आप बर्न कितना कर रहे हो, 300 400 100 150। तो वो कभी भी आप अपनी एक अच्छी बॉडी को एक लुक बॉडी नहीं दे सकते। सबसे पहले ट्राई करो कि आप जो खा रहे हो उसमें कितना है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आप अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक कर रहे हो, क्या आप गुड फैट इनटेक कर रहे हो, आप अच्छा फाइबर बॉडी में यूज़ करवा रहे हो, प्रोटीन ले रहे हो। एक रोटी के बीच में अगर हमें सिर्फ 2 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, एक अंडे में सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन है, वो आपने डिसाइड करना है कि आपने किस तरह से अपना प्रोटीन लेवल
बढ़ाना है। अगर बात की जाए एक दिन की, तो एक दिन में मनुष्य को कितना प्रोटीन और कितना न्यूट्रिशन, ये सब कितना क्वांटिटी में लेना चाहिए? अगर कोई एक नॉर्मल पर्सन जिसकी सिटिंग जो है, तो उसको कितना चाहिए रहेगा, राइट? तो उसको एक दिन का कम से कम 70 से 80 ग्राम प्रोटीन इनटेक करना चाहिए। और अगर उस कैलोरीज की बात करें तो वो कम से कम ट्राई करेगी, वो ज़्यादा नहीं तो 2000 ही कैलोरीज इनटेक करे। कोक वगैरह बंद कर दो यार, जैसे हम बाहर से पीते हैं तो बंद, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, कुछ नहीं होता उसकी जगह। हम कुछ भी घर पे ड्रिंक्स बना सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें घर पे बन जाती हैं जो डाइट में इंक्लूड होती हैं, तो वो चीज़ें हम ले सकते हैं। अगर बात की जाए तो सभी लोग मांसाहारी नहीं होते, कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं। तो जो वेजिटेरियन होते हैं वो एग वगैरह ऐसी चीज़ को नहीं खा सकते जिसमें अधिकतर प्रोटीन्स होता है, तो वो क्या खाना ऐसा खा सकते हैं जिनके अंदर वो शाकाहारी भोजन करके वो अपने अंदर प्रोटीन्स वगैरह सब प्राप्त कर सकते हैं? वो टोफू ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, उनके पास ब्रोकली है, उनके पास अनियन है, उनके ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको अपनी रूटीन लाइफ में अगर वो एड ऑन करें तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, बहुत अच्छा प्रोटीन लेवल गेन कर सकते हैं। थैंक यू। जैसे कि आपने सुना ही होगा, जैसे अभी सर ने बताया है, एक रोटी में 200 लगभग कैलोरीज होती हैं, तो उनको अपने वेट के अकॉर्डिंग इंसान को खाना चाहिए। और अगर बात की जाए यहाँ पे उनके अलग से जो मांसाहारी और शाकाहारी लोगों की, तो जो शाकाहारी लोग हैं वो अलग तरीके का रूटीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अलग तरीके का खाना खा सकते हैं जिससे उनके अंदर प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट अगर ऐसी चीज़ों की कमी नहीं होगी। ऐसी ही कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बनी हुई है अर्थ प्रकाश टीवी पर, मैं आपने चौधरी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।